पाकिस्तान में आगजनी और अत्याचार की घटनाएं सामने आई है। इस निंदा के आरोप में ईसाइयों को एक के बाद एक आग के हवाले किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अब तक 4 चर्चों पर हमले हो चुके हैं, घर जल रहे हैं, जबकि ईसाई इलाकों में घरों को खुलेआम लूटा जा रहा है। पंजाब प्रांत के औद्योगिक शहर फैसलाबाद समेत कई इलाकों में बुधवार दोपहर से दंगे चल रहे हैं। बता दें कि बुधवार को पंजाब प्रांत में इस्लाम की पवित्र पुस्तक के अपमान की आशंका में गुस्साई भीड़ ने करीब 8 चर्चों में तोड़फाड़ की और आग लगा दी। आसपास के घरों को भी आग के हवाले कर दिया। इस घटना से इलाके में तनाव फैल गया। देखते ही देखते सैकड़ों कट्टरपंथी जरानवाला इलाकों में मौजूद चर्च और ईसाई बस्ती में पहुंच गए। इन सभी के हाथों में धारदार हथियार, डंडे और पेट्रोल था। सबसे पहले ये लोग चर्च में घुसे, वहां तोड़फाड़ की। इसके बाद चर्च की छत पर पहुंचे और क्रॉस को गिरा दिया। थोड़ी देर बाद चर्च में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। ये भीड़ इतने पर ही नहीं रुकी। इसके बाद इलाके में रहने वाले ईसाई लोगों के घरों को निशाना बनाया। उन लोगों से नाम पूछे गए और इसके बाद उन्हें सड़क पर पीटा गया। इन घटनाओं को पुलिस के सामने अंजाम दिया गया, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। बता दें कि पाकिस्तान सरकार ने अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात किया है। इस मामले में अमेरिका ने चिंता जताई है और पाकिस्तान सरकार से जांच करने की अपील की है। अब इस पर पाकिस्तान की पुलिस ने बताया कि ये घटनाएं लाहौर से लगभग 130 किलोमीटर दूर फैसलाबाद जिले की जरनवाला तहसील में हुई। आरोप है कि वहां एक ईसाई व्यक्ति और उसकी बहन ने कथित तौर पर कुरान का अपमान किया और आपत्तिजनक टिप्पणियां दी, जिसके बाद इलाके में नाराजगी बढ़ गई और भीड़ ने हमला बोल दिया। स्थिति को नियंत्रित करने और चमरा मंडी जरनवाला में रहने वाले ईसाइयों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान रेंजर्स को बुलाया गया। इलाके में स्थिति फिलहाल काफी तनावपूर्ण, कथित तौर पर भीड़ ने ईसाई समुदाय को घेर लिया है। मामले में अब तक 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, इनमें आरोपियों के चेहरे भी पहचाने जा सकते हैं। वीडियो सामने आने के बावजूद अब तक पाकिस्तान के केयरटेकर गवर्नमेंट और फौज ने कोई बयान जारी नहीं किया है।